हेलो दोस्तों, आप सबों को आपके अपने चैनल ज्ञान अनलिमिटेड में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत से संबंधित भारत की कुछ जानकारी है तो उसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और इनसे क्वेश्चन बनता है अक्सर एग्जामों में, तो हम लोग वो सब सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे और एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे संबंधित क्वेश्चंस, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आसानी से नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि भारत देश में बहुत सारी भाषाएं कही जाती हैं, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं कही जाती हैं, तो आज हम लोग देखेंगे कि भारत की भाषाओं के बारे में, भारत की जो राजभाषा है उसके बारे में देखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, भारत की जो संविधान है उसमें भाग 17 के अनुसार, अनुच्छेद 343 के अनुसार में भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। दोस्तों, यह जानकारी है कि भारतीय संविधान के जो भाग है उसमें से भाग नंबर 17 के अनुच्छेद आर्टिकल जो होता है वो 343 के अनुसार भारतीय संघ की, भारत की राजभाषा हिंदी है। और दोस्तों, इसकी जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, जो लिखते हैं हम लोग, वह जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। तो यह इम्पोर्टेंट है, यह ध्यान रखी जानी है। दोस्तों, अनुच्छेद जो है वह 343 है, यह खास करके याद करनी है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो जब भी भारत की राजभाषा के बारे में कहा जाएगा तो वह हो जाएगा हम लोगों का अनुच्छेद नंबर 343, तो यह यहाँ पर ध्यान रखनी है। और दोस्तों, यह जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत में आती है। दोस्तों, 8वीं अनुसूची जो है उसके अंतर्गत में ही भारत की भाषाएं, भारत की राजभाषाओं के बारे में कही गई है, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखनी है, ध्यान रखनी है। दोस्तों, आर्टिकल 344 के अनुसार में अब देखते हैं कि आर्टिकल 344 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा से संबंधित एक आयोग की नियुक्ति हो सकती है। दोस्तों, आर्टिकल 344 के अनुसार में राष्ट्रपति एक राजभाषा से संबंधित आयोग की स्थापना कर सकता है, उसकी नियुक्ति कर सकता है, जहाँ पर राजभाषा से संबंधित जो भी कार्य होंगे, उनका विकास, उनका जो क्षेत्र है, उसको जो विस्तार है, उसको कैसे करना है, क्या करना है, इन सब सारी चीज़ों को राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग का स्थापना किया जा सकता है। तो यह आर्टिकल 344 के अनुसार होता है। तो यहाँ पर यह भी देखनी है, अगर क्वेश्चन बनता है कि राजभाषा से संबंधित एक आयोग की स्थापना राष्ट्रपति करता है तो वह कितने नंबर का आर्टिकल के अनुसार है, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, या तो फिर पूछा जाएगा कि 344 के अनुसार में कौन एक राजभाषा से संबंधित आयोग स्थापना कर सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ऐसे हम लोगों को ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो राजभाषा से संबंधित आयोग स्थापना कर सकता है, तो इसी के अनुसार में प्रथम राजभाषा आयोग जो 1955 में गठन किया गया था और इस आयोग का अध्यक्षता बीजी खरे ने किया था। दोस्तों, राष्ट्रपति जो आयोग स्थापना कर सकता है तो उसी से संबंधित, उसी के अनुसार में प्रथम बार राजभाषा आयोग 1955 1955 में गठन हुआ था और उस आयोग की अध्यक्षता जो किए थे सर्वप्रथम वह थे बीजी खरे ने। तो यह बीजी खरे, इस नाम को याद करनी है, क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, तो यहाँ पर 344 के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है और प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता बीजी खरे ने किए थे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर भी करें, और जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहें और अच्छी अच्छी जानकारी भी मिलती रहें। दोस्तों दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में बहुत सारी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारत के जो भाषाएं हैं, जो राजभाषा है, वह कौन सी अनुसूची में पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। तो यह 8वीं अनुसूची को ध्यान ही रखनी है। तो दोस्तों, भारत की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो उन भाषाओं को तभी अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी,
तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो दोस्तों, इन सारी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है राजभाषा के रूप में, जो टोटल 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 भाषाएं। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखनी है कि 22 भाषाएं हैं। तो दोस्तों, असमिया है वह असम क्षेत्र में कहा जाता है, बंगला तो बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है उस एरिया में, और उनके अलावा में और सारे क्षेत्रों में भी बंगला भाषा कहा जाता है। गुजराती गुजरात में, हिंदी तो संपूर्ण भारत में ही कही जाती है और यह भारत की राजभाषा भी है। कन्नड़ कर्नाटक क्षेत्र में, कश्मीरी जम्मू कश्मीर के इलाके में, मलयालम जो है वह केरल के इलाके में, और मराठी जो है वह महाराष्ट्र के क्षेत्र में कही जाती है, महाराष्ट्र राज्य में कही जाती है। दोस्तों, उड़िया उड़ीसा में, पंजाबी जो कि पंजाब और हरियाणा वाले इलाके में कही जाती है, संस्कृत बहुत ही पुरानी भारत की भाषा है, और सिंधी जो है वह पंजाब, जम्मू कश्मीर और उधर पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में सिंधी भाषा ऐसे कही जाती है। फिर तमिल, तेलुगु सब दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। उर्दू भी बहुत अधिक मात्रा में बोली जाती हैं। कोंकणी जो गोवा के इलाके में, गोवा में कही जाती है। मणिपुरी जो है मणिपुर राज्य में, नेपाली है वह यूपी बिहार और नेपाल से संबंधित सटे हुए इलाकों में कही जाती है। मैथिली बिहार में, संथाली जो है झारखंड में, डोगरी और बोडो जो है वो लोग असम और आसपास के इलाकों में कही जाती है। तो दोस्तों, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अब देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के जो संशोधन हुए हैं उसके तहत भी कुछ अन्य भाषाओं को भी अनुसूची 8वीं में जगह दी गई है। दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितना नंबर के और कब के संविधान के संशोधन के अनुसार में अन्य जो भाषाएं हैं उनको 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनती है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, उसके लिए हम लोग ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और यह ट्रिक अगर याद हो जाती है और आसान है, याद करने योग्य है, तो यह आसानी से याद भी हो जाएगी। तो दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से हम लोग आसानी से इसको याद कर लेंगे और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो हम लोग सही कर लेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं ट्रिक को अभी हम लोग, और उससे जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, संविधान संशोधन के तहत में जो अन्य भाषाएं हैं, जो बाद में जोड़ी गई भाषाएं हैं, उनको हम लोग देखेंगे जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है या 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है। पहले के जो भाषाएं थी उनके अलावा में अभी जो कुछ जानकारी होगी वह बाद में जोड़ी जाने वाली भाषाओं से संबंधित है। तो दोस्तों, ट्रिक को देखते हैं। तो पहला ट्रिक है दोस्तों, सिंधी कहें 21 नहीं 67 बार। दोस्तों, सिंधी कहना है 21, मतलब 21 नहीं, 67 टाइम, मतलब 67 बार कहना है। दोस्तों, सिंधी कहें 21 नहीं 67 बार। दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक है, और उस ट्रिक में कहा जा रहा है कि हम लोगों को सिंधी कहना है, सिंधी को कहना है, लेकिन कितना बार कहना है, 21 बार नहीं कहना है, हम लोगों को 21 से भी ज़्यादा 67, मतलब 67 टाइम कहना है। तो यह हम लोग ऐसे ध्यान रखेंगे, सिंधी कहें 21 नहीं 67 टाइम। दोस्तों, इससे हम लोगों को मिल जाएगी कि सिंधी जो है उससे सिंधी भाषा हो जाएगी, और 21 जो दिख रहा है वह 21 से हम लोगों को याद करनी है 21वीं संविधान संशोधन के तहत, और 67 जो है दोस्तों वह 1967, ऐसे ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, जो 67 होगा और भी जो कुछ आएंगे वह 1900 के बाद ही आएंगे, तो इसीलिए हम लोगों को बस यहाँ पे जो डिजिट रहेंगे उसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 21 से हम लोग 21वीं संविधान संशोधन याद करेंगे, और 67 से याद करेंगे 67 ईस्वी में हुआ था। तो सिंधी को हम लोगों को 21 नहीं 67 बार कहना है, तो 21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में जगह दी गई थी। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, आगे ट्रिक देखते हैं। नमक का दाम 71 से 92 हुआ। दोस्तों, नमक का जो दाम है वह 72 से 92 रुपया हुआ, ऐसे इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों, नमक का पहले मूल्य था, कुछ दाम था वह 71 रुपया था, ऐसे ध्यान रखेंगे।
जो कि बढ़ करके बाद में महंगाई के चलते 92 या 92 रुपीज़ हुआ, ऐसे इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों नमक, तो नमक को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे NMK, ऐसे लिखेंगे। तो नमक N से दोस्तों हम लोगों का हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी, और क से हो जाएगा कोंकणी। तो ये जो तीनों भाषाएं हैं वह नमक से इंडिकेट किया हुआ है, तो नमक हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो नमक से हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और दोस्तों 71 जो 71 है वहाँ से हम लोगों को याद करनी है कि 71वीं संविधान संशोधन, और 92 जो है वह 1992, ऐसे इसको ध्यान रखेंगे। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वीं संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं में जगह दी गई। तो यहाँ से हम लोग यह ट्रिक देखेंगे, नमक का दाम 71 रुपया से 92 रुपया हुआ, ऐसे इसको ध्यान रखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा आसानी से याद करने योग्य है। दोस्तों अब देखते हैं आगे, बदमाश 9203 हुए। दोस्तों बदमाश उसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे BDMS, और इसका उच्चारण करेंगे बदमाश, BDMS, जो 92 से 03 हुए, ऐसे इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों ऐसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं मुहावराओं में कि चोर पुलिस को देखकर 9211 हो गया, और 9211 होना मतलब भाग जाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 9211 नहीं 03, यहाँ पर ऐसे ध्यान रखेंगे। तो बदमाश 9203 हुए। तो दोस्तों BDMS से हम लोग बी से याद करेंगे बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। तो ये जो चारों भाषाएं हैं वह 92वां संविधान संशोधन 2003, 03 से हम लोग इसके यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो 2003 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई हैं। दोस्तों यहाँ 03 है तो यहाँ पर उसको 2003, 2003 ऐसे यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बदमाश 92 से 03 हुए, ऐसे 9211 होता है जिसका अर्थ मुहावरा में होता है कि भाग जाना, तो यहाँ पर 9203 हुए, ऐसे इसको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार देखें दोस्तों कि हम लोग ये जो तीनों संविधान संशोधन हुआ उनके तहत में इन सारी भाषाओं को बाद में जोड़ी गई, और अभी टोटल भाषाओं की संख्या है 22 भाषाएं। दोस्तों आगे देखते हैं, आर्टिकल 345 के अनुसार राज्य के विधानमंडल को 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक भाषा को राजकीय भाषा के रूप में स्वीकृत या अंगीकृत कर सकता है। दोस्तों 345 के अनुसार में यह कहा गया है कि राज्य का जो विधानमंडल होता है वे 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से कोई एक भी भाषा को अपनी राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पर 345, यहाँ पर आर्टिकल जो है उसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, बन सकता है। तो हम लोगों को यहाँ 345 के अनुसार राज्य अपने लिए राजकीय भाषा का किसी एक भाषा को स्वीकार कर सकता है। दोस्तों आगे देखते हैं, राज्य या राज्य के बीच का संबंध या फिर देश और राज्य के बीच में जब भी संघ की भाषा होगी तो वह हिंदी जो है अधिकृत भाषा होगी। जब राज्य राज्य के बीच बात होगी या फिर देश और राज्य के बीच का जब बात होगा तो हम लोग जो संघ की भाषा है हिंदी, तो उसी को अधिकृत की गई है, उसी को अधिकृत माना गया है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखनी है, राज्य राज्य में भी हिंदी और देश और राज्य के बीच में भी संघ की भाषा हिंदी वही अधिकृत होगी। दोस्तों अब इसके बारे में और जो जानकारी उसको भी देखते हैं कि उच्चतम या उच्च न्यायालय तथा विधानमंडलों की जो भाषा होगी वह भाषा होगी अंग्रेजी भाषा। और दोस्तों जब तक संविधान प्रावधान नहीं करता है तब तक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की जो भाषा होगी वह भाषा अंग्रेजी ही होगी। दोस्तों कानून और संसद जो होगा, कानून के थ्रू संसद तथा राज्य विधानमंडलों की जो बातचीत होगी वह अंग्रेजी में ही होगी। कानून से जो भी संबंधित नियम कानून बनेंगे उन सारे नियम कानून भी अंग्रेजी भाषा में ही होगी। तो ये थी भारत की राजभाषाएं, भारत की जो भाषाएं उनके बारे में जानकारी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को देखनी है और ट्रिक को भी अच्छे से याद करनी है। दोस्तों आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगे और आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त जो है वो पढ़ते हैं और उनको भी जाननी चाहिए इन सभी बातों को, तो आप लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं उनको भी, ताकि उनको भी जानकारी मिले और साथ ही साथ
आप सब एग्जाम में अच्छी कर सकें। तो दोस्तों हम लोग और जो भी वीडियो आएंगे उनको भी हम लोग देखेंगे और अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशंस सब के सब मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।